आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले हम कुछ और रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे और कुछ डेफिनेशंस भी सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं बाउंडेड सीक्वेंस की, गो के हमने पहले पढ़ी हुई है, मैं ज़रा रिवाइज करवाने लगा हूँ। इस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को आप बाउंडेड कहते हैं अगर आपको दो नंबर्स मिल जाएं, से स्मॉल एम और कैपिटल एम, के सीक्वेंस की हर टर्म इन दो नंबर्स के दरमियान आए। अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म दो रियल नंबर्स के दरमियान हो तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस बाउंडेड है। इसी बात को कुछ लोग दूसरी तरह से भी बयान करते हैं कि आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए कि एक्स एन का मॉडुलस एम से लेस आर इक्वल हो, सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस एम से लेस आर इक्वल हो। इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, जब हम कह रहे हैं कि एक्स एन का मॉडुलस लेस आर इक्वल टू एम है तो बगैर मॉडुलस के हम लिख सकते हैं कि एक्स एन लेस आर इक्वल टू एम और ग्रेटर इक्वल टू माइनस एम है। वही बात है कि एक्स एन यानी हर टर्म दो नंबर्स के दरमियान है, ऐसे कहा जाए या ऐसे कहा जाए एक ही बात होती है। और अगर फ़र्ज करें हमें सिर्फ ऐसा नंबर मिले कि सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से लेस आर इक्वल हो तो फिर हम उसको बाउंडेड अबव कहते हैं। हम बाउंडेड अबव एक ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं कि आपको एक रियल नंबर एम मिल जाए कि सीक्वेंस की हर टर्म उस एम से लेस आर इक्वल हो, और अगर सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से ग्रेटर आर इक्वल हो तो हम उसको कहेंगे वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। हर बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी होती है और बाउंडेड बिलो भी होती है, लेकिन बाउंडेड अबव सीक्वेंस का ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस हो, और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है सीक्वेंस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की हर टर्म हमेशा 1 से ग्रेटर आर इक्वल है। क्या किसी नंबर से लेस आर इक्वल भी है? किसी नंबर से लेस आर इक्वल नहीं है। ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबव सीक्वेंस नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सीक्वेंस है 0, -1, -2 और सो ऑन। इस सीक्वेंस की हर टर्म को आप कह सकते हैं 0 से लेस आर इक्वल है, लेकिन क्या किसी नंबर से ग्रेटर आर इक्वल है हर टर्म? बिल्कुल भी नहीं। ये बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। और आपके सामने थर्ड एग्जांपल ये है 1, 1/2, 1/3। इस सीक्वेंस की हर टर्म एक नंबर से लेस आर इक्वल भी है, 1 से लेस आर इक्वल है, और इस सीक्वेंस की हर टर्म 0 से ग्रेटर आर इक्वल भी है। यानी इस सीक्वेंस की हर टर्म दो नंबर्स के दरमियान है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो याद रहे कि बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी, और ऐसी सीक्वेंसेस भी होंगी जो सिर्फ बाउंडेड बिलो हों, बाउंडेड अबव ना हों। जैसे कि ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। ऐसी सीक्वेंसेस भी होंगी जो बाउंडेड अबव हों और बाउंडेड बिलो ना हों, और ऐसी भी होंगी जो बाउंडेड अबव भी हों, बाउंडेड बिलो भी हों, वो हमेशा बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। तो हमने डेफिनेशन की है कि बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं, पहली दफ़ा नहीं की है, रिवाइज़ की है ये डेफिनेशन हमने। लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन की थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। आज हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है या मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। याद कर लेते हैं, हमने कहा था एक सीक्वेंस को इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं अगर उसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर आर इक्वल हो, और हमने कहा था सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं अगर हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस आर इक्वल हो। और अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई सी भी हो, हम उसको कहते हैं वो मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस को मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं अगर ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हम उसको मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी एक और वर्ड यूज़ होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, यानी चाहे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और चाहे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, हम सीक्वेंस को मोनोटोन सीक्वेंस या मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। और एक थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम हमारे पास ये है
कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब आपको मालूम है, जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस आर इक्वल हो और बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो का मतलब आपको मालूम है कि सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से ग्रेटर इक्वल है। प्रूव ये करना है कि ऐसी सूरत में सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और हमें गिवन ये है कि बाउंडेड बिलो है। हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के इन्फिमम के इक्वल है। इसके लिए पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कि इन्फिमम क्या होता है, और इन्फिमम से पहले हम रिवाइज करेंगे कि लोअर बाउंड क्या होता है। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 के अंदर आर्डर सेट एस के लिए, लेकिन इस वक्त हम आर्डर सेट आर की बात कर रहे हैं कि एक अगर सेट ए है, आर का सबसेट है, एक रियल नंबर को लोअर बाउंड कहेंगे अगर वो रियल नंबर अल्फा सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो तो हम उसे लोअर बाउंड कहते हैं। दूसरी बात हम डेफिनेशन करने लगे हैं रिवाइज इन्फिमम की। ये हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ी थी, इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर आर का एक सबसेट ए है तो एक रियल नंबर अल्फा को इन्फिमम कहेंगे या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे अगर इसमें दो खूबियां हो, एक ये कि ये लोअर बाउंड हो यानी ये सेट ए के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो, और दूसरा ये कि इससे बड़ा नंबर लोअर बाउंड ना हो। जब भी अल्फा से बड़ा नंबर से अल्फा प्लस एप्सिलॉन बनाएं, जब भी कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा से बड़ा नंबर हो जाएगा। अब ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है ये लोअर बाउंड ना हो। लोअर बाउंड होने का मतलब था सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो, लोअर बाउंड ना होने का मतलब है कम से कम सेट के किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाए। ऐसा नंबर अल्फा जो लोअर बाउंड हो और उससे बड़ा नंबर लोअर बाउंड ना हो उसे हम इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। इसी दूसरी बात को ऐसे भी कहते हैं कि लोअर बाउंड अल्फा को इन्फिमम कहेंगे अगर अल्फा हर दूसरे लोअर बाउंड से ग्रेटर आर इक्वल हो, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो। ये मैंने आपको याद करवाया है कि इन्फिमम क्या होता है, इसलिए याद करवाया है क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट का आंसर हमने सेट का इन्फिमम लाना है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। उसके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस उस एप्सिलॉन से लेस हो, जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर एन नॉट से ग्रेटर आर इक्वल हो। यहाँ पे हमने सीक्वेंस एक्स एन को प्रूव ये करना है कि वो इस इन्फिमम को कन्वर्ज कर रही है। अगर इस सेट के इन्फिमम का नाम फर्ज करें मैं एक्स स्टार अज्यूम कर लेता हूँ, तो बेसिकली मैंने प्रूव ये करना है कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार का जो मॉडुलस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और इस इनक्वालिटी को हम लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार ग्रेटर है माइनस एप्सिलॉन से और लेस है एप्सिलॉन से। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए और हमें मिलना चाहिए एक नेचुरल नंबर एन नॉट कि जब भी आप एन को एन नॉट या उससे बढ़ा लें ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो मुझे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए मुझे ये इनक्वालिटी बनानी है, और इस इनक्वालिटी में बेसिकली मुझे दो पार्ट्स बनाने हैं। एक दफ़ा मुझे ये रिजल्ट बनाना है कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, और एक दफ़ा मुझे ये रिजल्ट बनाना है कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार एप्सिलॉन से छोटा है। एक मुझे ये रिजल्ट बनाना है कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार एप्सिलॉन से छोटा है, या कह लें मुझे बनाना है कि एक्स एन छोटा है एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन से। एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन को मुझे एक्स एन से बड़ा प्रूफ करना है, या कह लें कि मुझे ये रिजल्ट बनाना है अगर मैं इसको इधर ले आऊं कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन छोटा है एक्स एन से। एक्स एन को एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन से छोटा बनाना है और एक्स एन को एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा बनाना है। ये दो इनक्वालिटीज मुझे बनानी है। कैसे बनाऊंगा, देखते हैं कि कैसे बनाऊंगा। सबसे पहला काम प्रूफ में हम ये करने लगे हैं कि हम प्रूव ये करें कि इस सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने कहा यह हुआ है कि हर सबसेट का इन्फिमम नहीं होता। रैशनल नंबर्स के ऐसे सबसेट्स भी मिल जाते हैं जिनके लोअर बाउंड्स होते हैं, इन्फिमम नहीं होते।
रियल नंबर्स में जिस सेट का लोअर बाउंड मिल जाए कंफर्म होता है कि उसका इन्फीमम भी ज़रूर मिलेगा। रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि रियल नंबर हैज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, या हम कहते हैं कि रियल नंबर्स का सेट कंप्लीट है। तो सबसे पहला काम जो फ़िलहाल हम ये करने लगे हैं कि इन्फीमम जो है इस सेट का वो एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस xn है वो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अगर xn बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है तो सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से ग्रेटर और इक्वल है। वो नंबर हमने फ़र्ज कर लिया कि m है। एक नंबर m मिल रहा है कि सीक्वेंस की हर टर्म इस नंबर m से ग्रेटर और इक्वल है। इसी बात को अगर दूसरी तरह से पढ़ें तो जो m है वो सीक्वेंस की हर टर्म से लेस आर इक्वल है। m जो है वो इस सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल है, और अगर कोई नंबर किसी सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल हो तो वो नंबर उसका लोअर बाउंड होता है। इसका मतलब है m जो है वो इस सेट का लोअर बाउंड है जिस सेट में हमने सीक्वेंस की टर्म्स रखी हैं। ये जो सेट xn है ये R का सबसेट है। क्यों R का सबसेट है? क्योंकि हमने कहा है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, सीक्वेंस के जितने एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर्स वाला सेट है, ये रियल नंबर्स का एक सबसेट है। हमारे पास ये जो सेट xn है ये रियल नंबर्स का एक सबसेट है, इसका एक लोअर बाउंड मिल गया है, R जो है वो कंप्लीट है, तो इसलिए कंफर्म हो गया कि इस सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। एक बात कंफर्म हो गई कि इस सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, उस इन्फीमम का नाम फर्ज करें हम x स्टार रख लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना प्रूफ किया है कि हमने जो प्रूफ करना है कि सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्ज कर रही है, वो नंबर हमने प्रूफ किया है कि हाँ मौजूद है, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है। अब बढ़ते हैं अगले काम की तरफ और प्रूफ ये करना चाहते हैं कि xn जो है वो x स्टार प्लस एप्सिलॉन से लेस है। x स्टार जो है वो इस वक्त सेट का इन्फीमम है, और x स्टार प्लस एप्सिलॉन जो है वो इन्फीमम से बड़ा नंबर है। हमने कहा ये है कि इन्फीमम से बड़ा नंबर जो होता है वो लोअर बाउंड नहीं होता है। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए x स्टार प्लस एप्सिलॉन जो है वो लोअर बाउंड नहीं है। लोअर बाउंड का मतलब होता है सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल। लोअर बाउंड ना होने का मतलब है ये नंबर x स्टार प्लस एप्सिलॉन इस सेट के कम अज़ कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो गया है। उस एलिमेंट का नाम हमने फ़र्ज़ करें एक्स के रख लिया है। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं एक्स एन, उनमें जो सबस्क्रिप्ट एन है वो नेचुरल नंबर है। तो अगर एक्स के कोई एलिमेंट इस सेट में से है तो इसका सबस्क्रिप्ट के जो है वो कोई एक नेचुरल नंबर है। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन जो है वो इस एक्स के से बड़ा हो गया है। एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन एक्स के से बड़ा हो गया है। मैं करना ये चाहता था कि एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन एक्स एन से बड़ा है, सीक्वेंस की टर्म्स से बड़ा है, सारी टर्म्स से बड़ा है, या कम अज़ कम उन टर्म्स से बड़ा है जिनका नंबर एन नॉट या उससे बड़ा है। फिलहाल मैंने ये प्रूफ किया है कि एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन एक्स के से बड़ा है, एक्स के कोई एक टर्म है। क्या ये सीक्वेंस की बाकी टर्म से भी बड़ा है? हमें दिया ये गया है कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। जब भी इसमें नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो टर्म पहले से छोटी हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन टर्म नंबर के से बड़ा है तो इसके बाद वाली टर्म्स तो मज़ीद छोटी हैं। इसका मतलब है एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन एक्स के बाद जितनी टर्म्स आ रही हैं उन सबसे भी बड़ा है। चूँकि हमें कहा यह गया है कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन जो है वो एक्स के से लेसर इक्वल है जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर आप के या के से बड़ा लेते हैं। एक्स के से लेसर इक्वल है, एक्स के प्लस वन एक्स के से लेसर इक्वल है, एक्स के प्लस टू एक्स के से लेसर इक्वल है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो प्रीवियस टर्म्स के मुकाबले में छोटी होती चली जाएंगी या बराबर रहेंगी। यानी एक्स एन एक्स के से लेसर इक्वल है जब भी आप एन को के या के से बड़ा लेते हैं। ये जो दो इनक्वालिटीज़ हैं आपके पास वन और टू, इसमें एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन एक्स के से बड़ा है, एक्स के एक्स एन से ग्रेटर आर इक्वल हैं। इन दोनों इनक्वालिटीज़ को अगर आप मिला लें तो एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन जो है वो एक्स एन से ग्रेटर है। लेकिन कौन से एक्स एन से ग्रेटर है?
ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, जब भी एन के या के से बड़ा हो तो एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन एक्स एन से बड़ा है, जब भी एन के से ग्रेटर आर इक्वल हो। बात बन गई जी? बिल्कुल बन गई। एक्स्ट्रा प्लस एप्सिलॉन एक्स एन से बड़ा आ गया, सारे एन के लिए तो नहीं आया लेकिन उन एन के लिए आ गया जो एन के या के से ग्रेटर हैं। इसी को हम एक्स एन माइनस एक्स स्टार की शेप में भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्टार को अगर हम लेफ्ट पर ले आएं तो एक्स एन माइनस एक्स स्टार एप्सिलॉन से लेस हो गया, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है सीक्वेंस की उन तमाम टर्म्स के लिए जिनका नंबर एन के या के से बड़ा है। मैंने बताया था कि हम दो बातें प्रूफ करना चाहते हैं, एक ये कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार एप्सिलॉन से छोटा है, और एक ये कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। ये हिस्सा हमने प्रूफ कर लिया, अब ये प्रूफ करना चाहते हैं और फिर दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। एक्स एन माइनस एक्स स्टार को माइनस एप्सिलॉन से बड़ा प्रूफ करना है। एक्स स्टार के बारे में हमें पता ये है कि एक्स स्टार जो है वो इन्फिमम है। इन्फिमम का मतलब है लोअर बाउंड है। एक्स स्टार जो है वो लेसर इक्वल है सीक्वेंस की टर्म से। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हम ये वाली इनक्वालिटी बनाने लगे हैं। चूंकि एक्स स्टार जो है वो इन्फिमम है एक्स एन का, और इन्फिमम का मतलब है लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड का मतलब है कि एक्स स्टार जो है सीक्वेंस की हर टर्म से लेसर इक्वल है। तो एक्स स्टार चूंकि इन्फिमम है, लोअर बाउंड है, एक्स स्टार सीक्वेंस की हर टर्म से लेसर इक्वल है, एक्स स्टार एक्स एन से लेसर इक्वल है। और एप्सिलॉन में और एक्स एन में क्या रिलेशन होगी? एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, एक्स एन में पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो एक्स एन प्लस एप्सिलॉन जो है वो एक्स एन से ग्रेटर हो जाएगा। गिवन एप्सिलॉन के लिए एक्स एन प्लस एप्सिलॉन एक्स एन से ग्रेटर है, और ये तमाम एन नेचुरल नंबर्स के लिए है। अब इन दोनों इनक्वालिटीज को मिलाएं, एक्स स्टार एक्स एन से लेसर इक्वल है, एक्स एन प्लस एप्सिलॉन से लेस है, दोनों को मिलाएंगे तो एक्स स्टार लेस हो जाएगा एक्स एन प्लस एप्सिलॉन से तमाम नेचुरल नंबर्स एन के लिए। इस एप्सिलॉन को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, एक्स स्टार को राइट पर ले जाएं माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एप्सिलॉन लेस हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स स्टार से, या कह लें एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा। ये वाली इनक्वालिटी हमने बना ली है। इस बात का इस्तेमाल करते हुए कि जो एक्स स्टार है वो इन्फिमम है यानी लोअर बाउंड है। इससे पहले हम रिजल्ट बना चुके हैं कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार एप्सिलॉन से लेस है। अब हमने बनाया है कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। दोनों को मिलाकर लिख लेते हैं। जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे थर्ड और फोर्थ वाले रिजल्ट को, तो एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एप्सिलॉन से छोटा है। जो इनक्वालिटी नंबर थ्री है वो उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है जो के या के से बड़े हैं, और इनक्वालिटी नंबर फोर जो है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, या कह लें उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है जो वन या वन से बड़े हैं। और इस बात का काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं कि जब दो इनक्वालिटीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हों और उनकी मदद से नई थर्ड इनक्वालिटी बना रहे हों, एक इनक्वालिटी नेचुरल नंबर एन नॉट और उससे बड़ों के लिए होल्ड करती हो, दूसरी इनक्वालिटी नेचुरल नंबर एन वन और उससे बड़ों के लिए होल्ड करती हो, तो दोनों को मिलाकर जो नई इनक्वालिटी बनेगी वो उनमें से बड़े वाले नंबर्स से बड़े नंबर्स के लिए होल्ड करेगी। यहाँ एक इनक्वालिटी वन से बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी के या के से बड़े नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है। इन दोनों में से बड़ा नंबर के होगा, तो इसका मतलब है अब जो नई इनक्वालिटी बनी है वो तमाम उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है जो के या के से ग्रेटर हैं। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? कि एक्स मॉडुलस लेस देन ए होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए और ए के इन बिटवीन हो। इस प्रॉपर्टी की मदद से अब हम इसका मॉडुलस बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है उन तमाम एन के लिए जो के या के से बड़े हैं। यही तो प्रूफ करना चाहते थे। हमने लिया था कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन, हमने ढूंढ लिया एक नेचुरल नंबर के कि एक्स एन माइनस एक्स स्टार का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी एन को के या के से बड़ा लें। जब भी हम पॉजिटिव एप्सिलॉन लेंगे हमें नेचुरल नंबर के मिल जाएगा कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाएगी।
और यही तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इस नंबर x स्टार को कन्वर्ज कर रही है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn का आंसर x स्टार है। याद करें हमने x स्टार किसको कहा था, हमने x स्टार कहा था सीक्वेंस से बनने वाले सेट के इन्फिमम को। तो रिजल्ट ये प्रूव हो गया है कि जो सीक्वेंस की लिमिट है वो सीक्वेंस से बनने वाले सेट के इन्फिमम के इक्वल है और यही प्रूव करना चाहते थे। हमने प्रूव ये किया है कि अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड बिलो हो तो वो कन्वर्जेंट होती है और वो उस नंबर को कन्वर्ज करती है जो सीक्वेंस की टर्म्स से बनने वाले सेट का इन्फिमम होता है। और अब आज का मेन थ्योरम प्रूफ करेंगे। मेन थ्योरम हमारे पास क्या है, मेन थ्योरम ये है कि अगर आपके पास एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की तो ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ ये बाउंडेड हो। इस थ्योरम के अंदर एक चीज़ हमें हमेशा के लिए गिवन है और वो है कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस है और उसके बाद दो स्टेटमेंट्स में इफ़ एंड ओनली इफ हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट है कि कन्वर्जेंट है और दूसरी स्टेटमेंट है कि बाउंडेड है। अगर हम इस थ्योरम को ऐसे पढ़ें कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी, मोनोटॉनिक सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो फिर उसे कन्वर्जेंट होना चाहिए। जो मोनोटॉनिक सीक्वेंस है वो दोनों केसेस में हमें गिवन है, पहली स्टेटमेंट के साथ भी गिवन है, दूसरी स्टेटमेंट के साथ भी गिवन है। मोनोटॉनिक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मानकर आपने उसे बाउंडेड प्रूव करना है और मोनोटॉनिक सीक्वेंस को बाउंडेड मानकर आपने उसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। आज ही हमने डिफाइन किया है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होती है। एक ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो हम उसे मोनोटॉनिक सीक्वेंस कहते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम प्रूफ में सबसे पहले सपोज कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो मोनोटॉनिक सीक्वेंस है। मोनोटॉनिक हमें गिवन है, दोनों स्टेटमेंट्स के साथ गिवन है, सीक्वेंस को हमने मोनोटॉनिक ले लिया है। अब हम पहली स्टेटमेंट को ट्रू मानकर दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं। पहली स्टेटमेंट यानी हम मान लेते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और प्रूव ये करेंगे कि वो बाउंडेड है। याद करें कभी आपने इससे पहले कन्वर्जेंट और बाउंडेड का कोई थ्योरम प्रूफ किया हो। हमने लेक्चर नंबर 31 में प्रूव ये किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो बस इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हम मान ये रहे हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हमने शो ये करना है कि ये बाउंडेड होगी। हमें पहले से ही मालूम है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो बस बात ख़त्म हो गई, प्रूफ हो गया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट कन्वर्जेंट को ट्रू मान के सेकेंड स्टेटमेंट बाउंडेड प्रूफ कर ली है। अब कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि xn जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। मोनोटॉनिक तो है ही है, मोनोटॉनिक के साथ साथ हमने ये भी सपोज कर लिया है कि ये बाउंडेड है और कन्वर्जेंट हमने प्रूफ करना है। लेकिन कन्वर्जेंट प्रूफ करने से पहले ज़रा बाउंडेड होने का मतलब लिख लेते हैं। बाउंडेड होने का मतलब आपको याद है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो आपको दो रियल नंबर्स से एक स्मॉल m और एक कैपिटल m मिल जाएंगे कि सीक्वेंस की हर टर्म इन दो नंबर्स के दरमियान होगी। ये हमने बाउंडेड का इस्तेमाल कर लिया है कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। साथ में हमने सपोज किया हुआ है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस है। मोनोटॉनिक सीक्वेंस दो तरह की हो सकती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब ये किस तरह की मोनोटॉनिक सीक्वेंस है, क्योंकि मोनोटॉनिक सीक्वेंस दो तरह की हो सकती है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसलिए हम इस प्रूफ को दो केसेस में करेंगे। पहले केस में सपोज कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या सपोज कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। बाउंडेड के अगर इस हिस्से का हम इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड अबव भी हो तो क्या वो कन्वर्जेंट होती है। हम प्रूफ कर चुके हुए हैं। क्या प्रूफ कर चुके हुए हैं कि बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के सुप्रीमम को कन्वर्ज करती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था, तो एग्जैक्टली वही प्रूफ आप यहाँ पर खुद से लिख लेंगे। तो केस वन में अगर हम अज्यूम कर लें कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो प्रूफ हो गया।
आपने खुद लिखना है। केस टू में हम सपोज कर लेते हैं कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग होने के साथ साथ सीक्वेंस बाउंडेड भी है, और बाउंडेड होने का अगर ये वाला पार्ट यूज कर लें कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है, सीक्वेंस की टर्म हमेशा एक नंबर से ग्रेटर और इक्वल है, तो दोनों जुमलों को जोड़ें तो इसका मतलब है सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ऐसी सीक्वेंस जो डिक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, उसके बारे में हमने आज ही प्रूफ किया है कि वो कन्वर्जेंट होती है और वो सीक्वेंस की टर्म से बनने वाले सेट के इन्फिमम को कन्वर्ज करती है, वही प्रूफ आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो सेकंड केस में भी प्रूफ हो गया, यानी अगर हम सपोज कर लेते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटॉनिक है तो हम उसे कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं, एक दफ़ा इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव का इस्तेमाल करते हुए और दूसरी दफ़ा डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो का इस्तेमाल करते हुए। मोनोटॉनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, बहरहाल इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमने दोनों केसेस में प्रूव कर लिया कि वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने आज प्रूफ किया है। क्या थ्योरम प्रूफ किया है? कि अगर मोनोटॉनिक सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ वो बाउंडेड हो। मज़ीद रिजल्ट्स प्रूफ करते रहेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।